गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, हमने कल सेल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि सेल क्या होता है। इसके अलावा हमने जो एक दो पॉइंट डिस्कस किए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। कि सबसे पहले हमने बात करते हैं ईएमएफ के बारे में कि ईएमएफ क्या होता है। कि किसी भी सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, उस टाइम जो बैटरी है उसके जो टर्मिनल हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। इसके बारे में हमने कल बातें कर ली थी। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ, इसमें ये थोड़ा और याद रखना है आपको कि ईएमएफ हमेशा कब होता है, जब सर्किट कैसा हो, ओपन सर्किट हो, यानी सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, उस टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। दूसरा हमने बात किया था जो टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि जब सेल है किसी सर्किट के अंदर कनेक्टेड होता है उस टाइम क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। इसके अलावा हमने बताया था कि ईएमएफ को हम इस वाले सिंबल से लिखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज वी होता है। और किसी भी सेल के लिए, जैसे ये कोई सेल है, उसके अंदर हमेशा एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा जिसको, और उसका ये ईएमएफ होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी वजह से क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। ठीक है ना, इंटरनल रेसिस्टेंस को हम बच्चों स्मॉल आर से लिखते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज के बीच जो रिलेशन होता है उसके बारे में, कि जो ईएमएफ है किसी भी सेल का ईएमएफ वो कितना होता है, वी प्लस आई आर, या फिर वी बराबर क्या लिखते हैं, ईएमएफ माइनस आई आर। दोनों इक्वेशन एक ही है और दोनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको, अगर आप इक्वेशन को देख रहे हैं तो किसी भी सेल का जो ईएमएफ है वो ज़्यादा होता है किससे, टर्मिनल वोल्टेज से। कितना ज़्यादा होता है, आई इंटू आर की वैल्यू के बराबर ज़्यादा होता है। ठीक है ना, यानी अगर ईएमएफ में से हम आई आर का प्रोडक्ट या आई आर का जो मल्टीप्लिकेशन है अगर वो माइनस करेंगे तब हमें वी की वैल्यू प्राप्त होती है। यहाँ तक क्लियर था? इसके अलावा हम आज का जो टॉपिक है उसको बात करते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल। बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, इससे पहले हमने कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ा था। कैपेसिटर्स के लिए कॉम्बिनेशन पढ़ा था दो तरह से, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। इसी से पहले हमने रेसिस्टेंस का हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था सीरीज में भी और पैरेलल के अंदर भी। इसी तरह से आज हम जो सेल है उनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कितने तरह से, दो तरह से, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिएगा, सेल के बारे में हम बात करते हैं फर्स्ट में सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, कि सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। मान लेते हैं कि आप किसी सर्किट के अंदर, ये जो सर्किट देख रहे हैं इसके अंदर फर्स्ट सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, आर है। इसी प्रकार जो दूसरा सेल है उसका भी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस भी कितना है, आर है। इसी प्रकार तीसरा सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इसका भी इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, आर है। यानी इस तरह से अप टू इन्फिनाइट, यानी एन सेल जुड़े हुए हैं जिनमें प्रत्येक का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, और प्रत्येक का ईएमएफ कितना है, ई है। और इस सर्किट के अंदर एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर के बराबर है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिएगा बच्चों, आपको पता है कि, इससे पहले मैं एक थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि जैसे ये सर्किट के अंदर अगर हम बात करें, ये सेल जुड़े हुए हैं, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, इस तरह से ये फोर्थ सेल हो गया।
अगर इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, इसका EMF E3 है और इसका EMF E4 है, तो अगर हम नेट EMF निकालेंगे इक्विवेलेंट, वो कितना होगा? बच्चों इन सेल के अंदर आपने ध्यान से देखा होगा कि अगर हम बात करें, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल कैसा है? नेगेटिव। दूसरे सेल का ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तीसरे सेल का ये पॉजिटिव हो गया और ये कैसा हो गया? नेगेटिव। चौथे सेल के लिए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? अब देखिएगा, इस डायग्राम को देख के आपको क्या पता लग रहा है कि पहले सेल का जो नेगेटिव है दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। क्लियर? दूसरे सेल का नेगेटिव तीसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और तीसरे सेल का जो नेगेटिव है चौथे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो सर्किट में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि एक सेल को हम रिवर्स कर देते हैं, उस टाइम क्या दिक्कत होती है। तो देखिएगा, अगर सर्किट के अंदर सारे सेल एक सीक्वेंस में जुड़े हैं, एक सीक्वेंस का मतलब पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, तीसरे का नेगेटिव चौथे के पॉजिटिव के साथ, इस तरह से जुड़े हैं, तो नेट जो EMF है वो कितना हो जाएगा बच्चों? E1 प्लस E2, E1 है, प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ये क्या हो जाएगा? नेट इक्विवेलेंट EMF। क्लियर? लेकिन अगर सेलों का कॉम्बिनेशन इस तरह से है, एक सेल जुड़ा हुआ है दूसरा सेल जुड़ा हुआ है, सॉरी, सेलों का कॉम्बिनेशन इस तरह से, फर्स्ट सेल जोड़ दिया हमने, सेकंड सेल जोड़ दिया, थर्ड सेल के अंदर हमने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, नेक्स्ट फोर्थ सेल जोड़ दिया हमने। यहाँ से देखिएगा क्या हुआ है कि पहले सेल का जो नेगेटिव है दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरे का नेगेटिव है तीसरे के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा। तो अगर इसका EMF E1 है, इसका EMF अगर E2 है, इसका EMF E3 है और इसका EMF E4 है, तो उस केस में जो नेट इक्विवेलेंट EMF है वो कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 माइनस E3 प्लस E4। कैसे बच्चों? कि ये जो E3 वाला है, ये सेल है, इसका जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर नहीं है, ये रिवर्स कंडीशन में ऐड है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है न्यूमेरिकल के अंदर, वैसे इसके बारे में हम आगे थोड़ा और पढ़ेंगे। तो देखिएगा, हम बात करते हैं सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा, हम टॉपिक पर आते हैं। तो अगर n सेल जुड़े हुए हैं सीरीज के अंदर एक ही लाइन के अलोंग, तो बच्चों आपको देख के पता लग रहा है कि नेट EMF है वो कितना हो जाएगा? n e के बराबर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि n सेल है और सभी का जो EMF है वो सेम है, तो सीरीज के अंदर नेट EMF कितना हो जाएगा? n e। इसी प्रकार प्रत्येक सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कितना है? स्मॉल r है। प्रत्येक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कितना है? स्मॉल r है। और बच्चों प्रत्येक सेल के अंदर जो रेसिस्टेंस है वो भी कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं, इसलिए नेट इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? एन आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर? यानी इस पूरे सर्किट को हम एक साथ लिख सकते हैं, टोटल EMF कितना हो गया? एन ई, और टोटल रेसिस्टेंस एन आर, सॉरी टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? एन इंटू स्मॉल आर। क्लियर? तो ये हमने इस सर्किट को इस तरह से लिख दिया। अब देखिएगा, आपको पता है कि टोटल करंट आई वो कितना होता है? EMF अपॉन आर प्लस आर। क्लियर? इसके बारे में हमने कल बात की थी। तो ये किसी भी सर्किट के अंदर टोटल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से देखिए, इस सर्किट के अंदर टोटल EMF कितना हो गया? N इंटू ई हो गया, और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो गया? एन आर। तो जो नेट करंट है इस सर्किट के अंदर वो कितना हो जाएगा? एन ई इंटू अपॉन आर प्लस एन आर। कैपिटल आर यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। क्लियर? अब इसके अंदर हम दो कंडीशन पढ़ते हैं। पहली कंडीशन क्या है बच्चों? अगर सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से बहुत छोटा है,
यानी जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो काफ़ी छोटा है किससे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से। उस केस में हम इंटरनल रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देंगे, हम उसको यूज नहीं करेंगे, तो उस टाइम क्या होगा, आपके पास नेट जो करंट के लिए फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, I इक्वल टू एन ई अपॉन आर। अब देखिएगा क्या होता है सेकंड केस, अगर जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो काफ़ी छोटा है किससे, इंटरनल रेसिस्टेंस से। उस केस में देखो ईएमएफ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ईएमएफ तो सेम एन ई रह रहा है, केवल हम रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ईएमएफ के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब स्मॉल आर है ये काफ़ी बड़ा है कैपिटल आर से, यानी जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो ग्रेटर है, वेरी ग्रेटर है किसकी रिस्पेक्ट में, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हम नेगलेक्ट यानी जीरो के लगभग मान लेंगे। उस केस में हमारे पास क्या बचेगा, एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो नेट जो करंट है वो कितना बचेगा, आई इक्वल टू ई अपॉन आर। क्लियर यहाँ तक, इसका मीन्स क्या हुआ कि जो करंट है वो कितना होगा, ई एम एफ अपॉन इंटरनल रेसिस्टेंस, ये आपको याद रखना है। तो मुझे नहीं पता होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। क्लियर, अब देखिएगा अभी तक तो जो हमने ये सर्किट पढ़ा था इसके अंदर क्या था कि जितने भी सेल थे एन सेल उन सभी का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या था, सेम था, लेकिन सॉरी इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम था और ईएमएफ भी क्या था, सेम था। लेकिन अगर सर्किट के अंदर जो सेल जुड़े हुए हैं उन सभी का ईएमएफ भी अलग हो और इंटरनल रेसिस्टेंस भी अलग हो, उस केस में हम उनको कैसे सोल्व करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि सर्किट के अंदर दो सेल जुड़े हुए हैं, पहला सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, E1 है, और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, R1 है। इसी प्रकार एक दूसरा सेल जुड़ा हुआ है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, R2 है, और ईएमएफ कितना है, E2 है। ये दोनों सेल सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के अंदर जो रिलेशन होता है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके द्वारा, ठीक है ना, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये वैसे ई बोला जाता है, ये वाला सिंबल को ई बोलते हैं हम, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके अंदर सर्किट के अंदर देखिएगा, ये एक्स पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वाई है, और ये वाला पॉइंट क्या है, जेड है। क्लियर, तो एक्स वाई और जेड जो तीन पॉइंट है उनके बारे में हम बात करते हैं। अगर एक्स से लेके और जेड के बीच का जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, वी एक्स टू जेड, वो कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ प्लस माइनस आई इंटू टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। क्लियर, अगर हम इनको पार्ट्स में पढ़ें या इस वाले पार्ट को एक्स और वाई के बीच में अगर हम पढ़ते हैं तो एक्स वाई के बीच में कितना हो जाएगा, एक्स वाई का ईएमएफ कितना है, एक सेल जुड़ा हुआ है ई1 और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, IR1। क्लियर, इसी प्रकार सेकेंड पार्ट वाई से और जेड के बीच में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सेल कितना है, E2, और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, R2, तो IR2 हो गया। क्लियर, तो यहाँ से इक्वेशन हम 3 और 4 से वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि VXZ, ये बच्चों किसके बराबर है, XZ के, ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा, XY प्लस YZ। क्लियर, तो यहाँ से हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ से जो भी इक्वेशन थी फर्स्ट सेकंड थर्ड उनसे हमने इक्वेशन यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है ना, यहाँ पर E1 E2 को एक साथ लिख लिया और IR1 है उसमें से I क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टेप मैंने कम किया है, ठीक है ना। तो अगर हम नेट कंपेयर करें इस इक्वेशन को, देखिएगा इस इक्वेशन को और हमारे पास जो पहले वाली इक्वेशन है, कौन सी वाली, इस वाली,
इस वाली इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, या फिर हम इसको ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी प्लस आई आर, इसके साथ जब अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको पता है कि जो नेट ईएमएफ है, नेट ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा, ई वन प्लस ई टू। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर दो या दो से अधिक सेल सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं और सभी का ईएमएफ भी अलग है तो नेट ईएमएफ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्लियर। इसी प्रकार जो टोटल करंट है वो कितना हो जाएगा, आई इंटू आर वन प्लस आर टू, यानी जो आर इक्विवेलेंट है वो भी कितना हो जाता है, जितने भी इंटरनल रेसिस्टेंस हैं उनका एल्जेब्रिक सम के बराबर, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के सम के बराबर हो जाता है। क्लियर। तो अगर आपके पास एन सेल हैं, ठीक है ना, एन सेल हैं तो नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री अप टू ई एन तक, और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर एन तक। तो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत, ये दो सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन था। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बच्चों क्या हुआ है कि नेट ईएमएफ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, एन टाइम, अगर एन सेल सेम पोटेंशियल के जुड़े हैं, और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है एन टाइम अगर प्रत्येक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है तो। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि इसके बाद अगर सेल हैं वो पैलर में जुड़े हुए हैं, सीरीज में आपने पढ़ लिया, अब बात करते हैं पैलर कॉम्बिनेशन की। बच्चों डायग्राम के अंदर देखिएगा कि पैलर कॉम्बिनेशन क्या है, सेम जैसे हम रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अगर आपके पास एक सेल ये वाला है ई वन मान लेते हैं इस सेल को, एक सेल है ई टू, एक सेल है ई थ्री, तीन सेल है। यहाँ पर देखिए तीनों का प्लस इधर है और तीनों का माइनस ये है। क्लियर। अगर तीनों सेलों के जो प्लस हैं वो एक पॉइंट पर जुड़े हों और तीनों सेलों के माइनस हैं वो भी एक पॉइंट पर जुड़े हों, तो ये जो कनेक्शन है ये क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम इनका इंटरनल रेसिस्टेंस माने, ये इसका है आर वन, ये इसका आर टू है और इसका आर थ्री है, ये हम अगर इंटरनल रेसिस्टेंस माने, और एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जिसको हमने क्या माना हुआ है, आर माना हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, कंप्लीट सर्किट हो गया। क्लियर। अब देखिएगा, तो यहाँ से देखिएगा बच्चों कि पैलर के अंदर क्या डिफरेंट होता है सीरीज से, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो डायग्राम से आपको पता लग रहा है कि तीन सेल हैं, सॉरी यहाँ पर इन्फिनिटी तक सेल जुड़े हुए हैं, तीन नहीं है ज़्यादा है, इन्फिनिटी तक सेल जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक का जो ईएमएफ है वो सेम है ई, और इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या है, आर है। इसी प्रकार दूसरे का ईएमएफ ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, इस तरह से इन्फिनाइट तक एन सेल जुड़े हुए हैं और प्रत्येक का ईएमएफ ई है और प्रत्येक का इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। क्लियर। अब देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है और आपको याद रखनी है कि पैलर के अंदर, पैलर कॉम्बिनेशन के अंदर जो नेट ईएमएफ है वो क्या रहता है, सेम रहता है, यानी जितना एक का है, अगर आप एक सेल को या दस सेल को या सौ सेल को अगर आप पैलर में जोड़ते हैं तो ईएमएफ हमेशा सेम रहेगा, और किसके बराबर रहेगा, उस सिंगल सेल के बराबर रहेगा, जो सेल आपने एक जोड़ा हुआ है, क्योंकि सारे सेम के हैं तो किसके बराबर होगा, सिंगल सेल वाले के बराबर होगा। क्लियर। अब देखिएगा, तो नेट ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा आपको बच्चों, ई के बराबर, क्योंकि प्रत्येक सेल का ईएमएफ कितना है, ई है। क्लियर। अब देखिएगा, और यहाँ से इस सर्किट के अंदर से आपको पता है कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो पैलर में जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, पैलर में, सारे आपस में पैलर में जुड़े हुए हैं। और मैंने बताया था जब रेसिस्टेंस पढ़ाते हैं हम पैलर कॉम्बिनेशन के अंदर, अगर एन इक्वल इक्वल रेसिस्टेंस पैलर में जुड़े हैं तो नेट रेसिस्टेंस कितना हो जाता है, आर अपॉन एन, अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उस टाइम कितना हो जाता है, एन इंटू आर।
तो यहाँ से देखिएगा नेट इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा जब सेल कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं तब। तो देखिएगा इन सभी सर्किटों की वजह से हम एक नेट इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया हमने ये वाला। तो आपको पता है कि अगर कितने भी सेल हों अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट सेल ईएमएफ कितना होता है, एक सेल के बराबर होता है, और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो जाता है, आर अपॉन एन। तो वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो बच्चों हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए कैसे कि नेट करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, और टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, R अपॉन N। यानी ये फॉर्मूला जो निकल के आपके पास आया है, पैरेलल के अंदर जो I है वो कितना हो गया, EMF अपॉन R प्लस R अपॉन N। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि I इक्वल टू हमने एलसीएम ले लिया N, तो कितना हो गया, ये एन एलसीएम है तो एन आर प्लस आर, या फिर जो नेट आई है वो कितना हो गया, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ये भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, ये उसको थोड़ा और डिटेल से लिख दिया हमने आगे सोल्व करके, क्लियर। तो देखिएगा यहाँ तक क्या हो गया, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब अगर सेल सारे कैसे हैं, अलग अलग हैं, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि सेम सेल हैं, अगर सेल अलग अलग हैं, यानी अलग अलग का मतलब प्रत्येक सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो देखिए बच्चों अगर मान लेते पहला सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस E1 है, सॉरी जिसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, क्लियर। तो आपको पता है देखिएगा कि यहाँ से जो करंट सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं कि इस वाले सेल से करंट I2 निकल रहा है और फर्स्ट वाले सेल से करंट कितना निकल रहा है, I1 निकल रहा है, तो ये इस पॉइंट पर आकर दोनों करंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये नेट करंट किसके बराबर हो गया, I1 प्लस I2, क्लियर। ये वाली इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अगर हम पोटेंशियल निकालें, V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस R होता है, तो फर्स्ट के लिए ठीक है ना, पहले के लिए कितना हो जाएगा, E1 माइनस IR1, भाई इसको भी हमने V लिखा है और सेकंड के लिए भी हमने V लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पैरेलल के अंदर V हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्लियर। तो यहाँ से देखिएगा हमने क्या किया है कि जो V का फॉर्मूला है, फर्स्ट का EMF माइनस IR1, तो यहाँ से I1 कितना हो जाएगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपके पास I1 की वैल्यू होगी। सोल्व कर लेंगे हम इसको कैसे, I1 R1 कितना हो जाएगा, EMF माइनस V हो जाएगा, और यहाँ से I1 निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास I1 की। इसी प्रकार हम I2 निकालेंगे, इसकी वैल्यू I2 की वैल्यू निकालेंगे, और जो इक्वेशन A के नाम से थी फर्स्ट में I इक्वल टू I1 प्लस I2, उसके अंदर हम इन I1 और I2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्लियर। ये वैल्यू हमने क्या किया है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट की है। तो यहाँ से देखिएगा हम इसको डिफरेंट कर लेते हैं, E1 अपॉन R1 अपॉन V अपॉन R2, ठीक है ना, ऐसे इन दोनों को भी अलग अलग कर लिया हमने, क्लियर। फिर E1 और E2 को एक तरफ लिख लिया और V और V वाली के टर्म्स को हमने एक तरफ लिख लिया, क्लियर। तो यहाँ से देखिएगा इन दोनों का जो एलसीएम है, इस वाले पार्ट का एलसीएम इस तरह से हो गया, इन दोनों में V कॉमन आ रहा है तो इन दोनों का एलसीएम ये हो गया, क्लियर। तो यहाँ से देखिएगा अगर हम V निकालेंगे तो V कितना हो जाएगा, इसको हम इधर लेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन हम V के लिए कैलकुलेट, इस वाले एक्सप्रेशन को हम इधर लेफ्ट में ले आए तो ये I इधर आएगा तो माइनस का हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्या पता लग रहा है आपको कि अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं हम इस इक्वेशन को, तो जो नेट V है इन दोनों का V कंपेयर कीजिए, तो V कितना है,
आर वन डॉट आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू ये वैल्यू होगी आपके पास कहाँ से, यहाँ से, और आई के अंदर भी ये वैल्यू हमने आर इक्विवेलेंट की रख दी। क्लियर, समझ में आया ना कि ये इक्वेशन कहाँ से लिखी है? देखो ये इक्वेशन देखो, इसके अंदर क्या हो गया और इस इक्वेशन के अंदर देखिएगा, वी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट के लिए हमने यहाँ से वैल्यू रख दी, ये वाला हो गया, ठीक है ना, और आई इक्विवेलेंट के लिए भी ये वैल्यू, और इसको हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स से जो अब सोल्व करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, इतने और। क्लियर, तो ये बच्चों किसका था, सेल के कॉम्बिनेशन का था, ठीक है ना। इसके न्यूमेरिकल्स एक दो मैं आज पोस्ट कर दूंगा शाम को, ठीक है ना, तो ये उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी हम ओम्स लॉ के अंदर पढ़ते थे कि वी प्रोपोर्शनल आई, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, कुछ इसकी लिमिटेशन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।